नमस्कार, न्यूज 360 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश और बुलेटिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वियतनाम और चीन दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन पहुंचने से पहले वियतनाम का दौरा करेंगे। दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वियतनाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों को उच्च प्राथमिकता देती है और दोनों देशों के बीच साझेदारी से एशिया और बाकी दुनिया को लाभ होगा। तो 4 और 5 सितंबर को चीन में G20 शिखर सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। उससे पहले वियतनाम के दौरे पर आज वो पहुंच रहे हैं। वियतनाम के साथ कई अहम समझौते हो सकते हैं। ट्रेड और सिक्योरिटी उसमें एक बड़ा मुद्दा है जिस पर बातचीत भी होगी और कुछ सहमति हो सकती है और कहीं ना कहीं चीन को भी संदेश देने की जरूरत होगी। चीन जाने से पहले पीएम मोदी आज एक दिन के दौरे पर वियतनाम पहुंचेंगे। दक्षिण चीन सागर पर अधिकार को लेकर वियतनाम और चीन के बीच तनाव के हालात हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा अहम माना जा रहा है। साथ ही उम्मीद है कि पीएम के इस दौरे में वियतनाम और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल समेत कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। पीएम ने वियतनाम दौरे को लेकर ट्वीट भी किया। वियतनाम अपनी दोस्ती के लिए जाना जाता है। इस दौरे से भारत और वियतनाम के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 15 साल में पहली वियतनाम यात्रा होगी। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में वियतनाम गए थे। पीएम मोदी 3 सितंबर को वियतनाम से चीन के लिए रवाना होंगे। पीएम 4 और 5 सितंबर को चीन में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर को ही चीन से भारत लौटेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम और चीन के दौरे पर रवाना होने से पहले क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यात्रा से वियतनाम को भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी मिल सकती है, भारत से बेच सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल टेक्नोलॉजी बेचने के लिए लंबे वक्त से कोशिश जारी थी, तो इस दौरे से वो कामयाब हो सकती है। दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिश्ते बेहतर बनाने पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा स्पेस सेक्टर, हाइड्रोकार्बन ब्लॉक में निवेश जैसे मुद्दों पर भी बात आगे बढ़ेगी। क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट को लेकर कई करार हो सकते हैं। पीएम मोदी के इस दौरे में काफी कुछ होने की उम्मीद है। वियतनाम में ONGC लंबे समय से काम भी कर रही है, इसे लेकर चाइना के साथ भी तकरार थी। अक्टूबर 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वियतनाम को 10 करोड़ डॉलर मदद का भरोसा भी दिया था। और आइए इसी यात्रा पर और इसी दौरे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। आलोक, काफी अहम माना जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 साल पहले वियतनाम का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन जाते समय वियतनाम में जो स्टे किया है दिखाता है कि वो वियतनाम को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। बिल्कुल, ये लॉन्ग पेंडिंग इनविटेशन था वियतनाम की तरफ से। काफ़ी समय के बाद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब वो G20 के सम्मेलन में शामिल होने के लिए चाइना जा रहे हैं, उससे पहले वाया वियतनाम होकर जा रहे हैं। वियतनाम में वहाँ पर रुकेंगे, शनिवार के शाम को ही चाइना G20 के सम्मेलन में भाग लेने के लिए निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर जब वियतनाम में रुकेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ी कह सकते हैं कि रिजल्ट आउटपुट वहाँ पर निकलने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एनर्जी, डिफेंस, जो सेक्टर्स हैं उसको लेकर काफ़ी बातचीत वहाँ चल रही है। काफ़ी जो द्विपक्षीय बातचीत है वो सब चल रही है, वहाँ पर काफ़ी रिजल्ट निकलने की उम्मीद है। और साथ ही साथ चाइना जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे तो वहाँ पर एक बैकग्राउंड होगा वहाँ पर, हालांकि सारे बायलेटरल स्टॉक होंगे वहाँ पर चाइना में, लेकिन अगर देखें वहाँ पर जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनसे बात होगी, तो एनर्जी में जब भारत की जो सदस्यता की बात हुई थी और चाइना ने उससे वीटो लगाया था, मना किया था, उसके बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री जाएंगे। तो अब देखना होगा कि ये जो वियतनाम से होकर जाने वाली बात है, वाया वियतनाम होकर चाइना जाते हैं तो उसका क्या रिस्पांस होता है। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि वियतनाम में जो प्रधानमंत्री का दौरा है, बायलेटरल मीटिंग है, वहाँ पर जो रिलेशंस हैं उसको काफ़ी बल मिलेगा और काफ़ी वहाँ पर महत्वपूर्ण आउटपुट निकलने की उम्मीद है। डिफेंस के सेक्टर में देखें, एनर्जी के सेक्टर में देखें, काफ़ी ONGC काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा है और कई सारे नए ब्लॉक्स वियतनाम ने ONGC को दिए भी हैं, तो ये लंबे समय से वहाँ पर एक्सप्लोरेशन चल रहा है। और वहाँ पर डिफेंस के सेक्टर में देखें और साथ ही साथ जो टेरर फंडिंग का मसला है, ये सब तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर वियतनाम में चर्चा होगी। और आगे G20 में जब जाएंगे तो वहाँ पर कई सारे बड़े मसले हैं, टैक्स इवेजन का मसला है, टेरर फंडिंग का मसला है, और ये तमाम जो बड़े इश्यूज़ हैं, ग्लोबल इश्यूज़, उस पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री।